एटा से बड़ी खबर, मिट्टी की ढाई गिरने से 3 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। स्कूल से छुट्टी के बाद घर न पहुंचने पर परिजनों की खोजबीन करने पर मिट्टी की ढाई के नीचे दबे मिले 3 मृतक बच्चे। तीनों की मौत के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप। मृतक तीनों मासूम सचिन पुत्र कप्तान सिंह, कौशल पुत्र प्रेम सिंह, गोविंद पुत्र लाल बहादुर, जिनकी तीनों की उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है। तीनों की दबने से मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। स्कूल से जब शाम तक घर वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने ढूंढना शुरू किया। 3 बच्चों की मौत का पता चला, जिससे कोहराम मच गया। रात को बच्चे मिट्टी के ढाई के नीचे दबे मिले, तीनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला। 3 बच्चों की मौत के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल, तीनों शवों को निकाल कर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। थाना नया गांव क्षेत्र के फकीरपुरा गांव की है घटना। रिपोर्ट हर्ष द्विवेदी, एटा। ग्राम फकीरापुर में 3 बच्चे कौशल, गोविंद और सचिन, ये 3 बच्चे प्रातः 9:30 बजे के आसपास खेलने गए थे। गांव के बाहर एक टीले पे खेल रहे थे और मिट्टी को हटा हटा के खेल रहे थे, जिससे सुरंग जैसी बन गई और उसमें बच्चे घुस के खेल रहे थे। अचानक मिट्टी गिर गई जिसमें बच्चे दब गए। शाम तक पता न चलने पे घर वालों ने इनकी तलाश की और वहाँ पे उनके कपड़े और चप्पल बाहर देखने पे शंका हुई। उसे खोदकर देखा तो उसमें बच्चों मृत अवस्था में पाए गए और इनको पोस्ट